नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में संक्रमण की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ होती जा रही है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी जो है वो काफ़ी बेहतर है। पिछले 24 घंटे का पहले आपको अपडेट बता देते हैं, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो अपडेट निकल के आया है, तस्वीर देखिए, आंकड़े जो हैं अब धीरे धीरे घटने लगे हैं, थोड़ी राहत मिलने लगी है। ज़्यादा उत्सुकता की बात नहीं है, लोगों को अभी भी सचेत रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि उनके सतर्क रहने का ही नतीजा है कि अब संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो घटने लगे हैं, संक्रमित मरीजों के आंकड़े घटने लगे हैं। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो अपडेट निकल के आया है, पिछले 24 घंटे में 12,948 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें बिहार में कुल टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 1,12,976 तक पहुँचा दी है। आप समझ सकते हैं बिहार में रिकवरी दर जो है वो 77% से भी अधिक है, यानी कि फिलहाल लोग ठीक होने लगे हैं, ठीक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी बताई जा रही है अस्पतालों में, जिसको लेकर के कई बार कई अस्पतालों से शिकायत निकल के आती है। और ये कहा जाता है, बताया जाता है कि ह्यूमन पावर हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, इन दोनों ही चीज़ों की कमी है, जिस वजह से अस्पतालों में कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है और लोगों की जान जा रही है। ऐसे में अपडेट देखिए, चार्ट जो निकल के आया है, पिछले 24 घंटे में राजधानी पटना में 2498 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं अगर हम गया की बात कर रहे हैं तो गया में 419 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, बेगूसराय में 586 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, औरंगाबाद में 380। वहीं अगर हम सिवान की बात करें तो सिवान में 218 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वैशाली में 481, पश्चिमी चंपारण में 578 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो 480 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, नालंदा में भी 740 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जिस तरह से आंकड़े हम आपको हर ज़िले के दिखा रहे हैं, समस्तीपुर में 560 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं जो आपको पहुँचा रहे हैं, लेकिन राजधानी पटना में 2498 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत दे रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे पहले से भी जो आंकड़े हैं वो काफ़ी लोगों को डरा देते थे, 15,000 से अधिक संक्रमित मरीज पाए जाने लगे थे, लेकिन अब 12,000 से अधिक संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 14,962 लोग ठीक भी हुए हैं, यानी कि रिकवरी दर भी आप देख रहे होंगे, लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल संक्रमण की ये चेन टूटे इसीलिए बिहार में लॉकडाउन लगाया गया था। और आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो है वह अब असर दिखा रहा है, लोगों ने जब घरों में रहना शुरू किया है, एक दूसरे से मिलना भेंट करना बंद कर दिया है, और अब शादी समारोह भी जो है वो स्थगित होने शुरू हो चुके हैं, लोग शादी समारोह से थोड़े से अपने आप को किनारा कर रहे हैं, थोड़े दिन के लिए उसे स्थगित कर रहे हैं। ऐसे में अब जब लोग समझदारी दिखा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आंकड़े घटेंगे ही और रिकवर होने वाले यानी कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ेगी ही। तो बहरहाल देखने वाली बात यह है कि अब जब आंकड़े धीरे धीरे घटने लगे हैं, लोग और अगर सतर्क रहेंगे तो जल्द से जल्द बिहार के जो लोग हैं वो कोरोना से जंग को जीतेंगे, जो दूसरी लहर चल रही है उससे हमें छुटकारा मिलेगा। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।